चलिए जल्दी जुड़िए बेटा। केवल हाथ और टैक्सी दिखाई दे रहे मुझे। केवल गौरव पक्ष और चेची दिखाई दे रहे हैं, शायद सभी का परीक्षा की पढ़ाई करने में बिजी होंगे। तो सुमध्यान बच्चों, आज की जो कक्षा जो है, इसके बाद शायद ही हम आपका एक ही गूगल क्लासरूम ले पाए डाउट क्लियर करने के लिए। तो ये शायद हो सकता है कि आज की कक्षा आपकी अंतिम कक्षा हो। उसमें कई बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करनी है कि कुछ बच्चे हैं जिनका ओरल टेस्ट नहीं हो पाया है, तो वो बच्चों को हम कॉल करके आज कल में आपसे जो है आपका ओरल टेस्ट ले लेंगे। दूसरी बात, तो इसलिए आप अपने मोबाइल में जो वीडियो व्हाट्सएप कॉल जो है उसको एनी टाइम आप देखिए, उसके साउंड बढ़ा कर रखिए, ठीक है। मैं रात को 8 बजे तक भी आपको कॉल कर सकती हूँ। दूसरी बात, पेपर का है, पेपर में आपका पैटर्न कोई भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा पैटर्न आ रहा है बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, बस कुछ चीजें अतिरिक्त जुड़ गई है, जैसे संवाद लेखन, चित्र वर्णन है ना, विज्ञापन लेखन हो गया, और ईमेल लेखन, समाचार लेखन, और साथ में अपठित काव्यांश जुड़ गया है, पत्र लेखन जुड़ गया है। बाकी जो प्रश्न पत्र का प्रारूप था जैसे आपकी पिछली कक्षाओं में था वैसा ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक चीज मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप पेपर को सेंड करते हैं, आप पहले उस पीडीएफ, जो पीडीएफ आपने जिस भी लेंस से बनाया है वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको एक बार देखिए उस पीडीएफ को कि आपने, और जो भी पेपर में आप लिखते हो चीज का भी, तो उसमें नंबर डालिए कि मैं ये पेपर के इस नंबर के मैंने आंसर शीट को मैंने पीडीएफ में जोड़ा कि नहीं, सब सभी आंसर शीट मेरे एक साथ हैं कि नहीं, है ना। तो वो चीज को ध्यान में रखिए, उसके बाद आप सेंड कीजिए। जहां तक आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप गूगल क्लासरूम में ही सेंड करें। जब गूगल क्लासरूम में सेंड ना हो और टाइम चला गया है, तभी आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप उसे सेंड कीजिए। ये नहीं कि उधर गूगल क्लासरूम में भी सेंड किया है और इधर व्हाट्सएप पर भी सेंड किया है, तो नहीं, आप कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि गूगल क्लासरूम में सेंड करें, है ना। दूसरी बात, मैंने आपको अनुच्छेद लेखन जो है, ये 4 अनुच्छेद मैंने आपके गूगल क्लासरूम में सेंड किया है। यस या नो बताइए मुझे। हाँ गौरव, सब आएगा, लेटर राइटिंग पूछा है, सब आया। गूगल क्लासरूम में देखा आपने, हाँ, तो उसी में से आपको याद करना है और 10 लाइन लिखना ही है। चित्र वर्णन आ रहा है तो 10 वाक्य लिखना ही है आपको। सुन आ रहा है, संवाद लेखन है तो आपको पूरा संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग पूरा का पूरा लिखना है, जब तक कि आपका वाक्य खत्म नहीं हो जाता, बातचीत खत्म नहीं हो जाती, तो वो सब चीजों को ध्यान में रखना है। पत्र लेखन लिख रहे हैं तो आप मार्जिन को ही पकड़ कर चलिए, मार्जिन को आपको छोड़ना नहीं, ठीक। तो ये सब चीजों का, आप छोटी छोटी जो बातें हैं वो गलती हम कर देते हैं और उसी चक्कर में फिर हमें मार्क्स कमाते हैं। और मैं बार बार सभी से कह रही हूँ लाइव कक्षा में कि सही जोड़ी बनाओ अगर आया है और आपने नंबर डाल के किया 1 2 3 4 5 6,
इधर ए बी सी डी ई एफ जी, तो मैं आपको पूरे नंबर कट कर दूंगी, चाहे फिर आपने पूरा सही क्यों ना बनाया है वो। आपको प्रश्न पत्र में केवल वही लिखना है और ऑब्जेक्टिव के आंसर लिखने, और उसमें जो है आप गलत लिखेंगे, शॉर्टकट तरीका अपनाएं, आपके पास समय बहुत है, 2 घंटे का समय है आपके पास पेपर बनाने में, 50 मार्क्स का पेपर है, तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। समझ में आया? ठीक। तो और आपको फिर भी लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ये, तो मैं क्या करूँ कैसे, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको उसका समाधान जरूर दूंगी। ठीक है, उसी क्रम में मैंने यहाँ पे कुछ आपको ये रिवीजन के प्रश्न लिख कर दिए हैं, इनको आप लिखिए। सर्वनाम में एक पहचान कर लिखिए, सर्वनाम से आ रहा है आपका, तो ये पूरा लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं? मैंने आपको ये दिया था आपको अभी, कारक के 8 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से 8 भाग और 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अतः वाक्य कुल 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसे मैंने पहला देखा, देखो यही समझा रहे हैं आपको, हम अपने गांव जा रहे हैं, कौन सा सर्वनाम होगा बताइए मुझे, जल्दी बताइए कौन सा सर्वनाम होगा, हम अपने गांव जा रहे हैं। वेरी गुड हर्ष, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपने लिए ये शब्द प्रयोग किया है, इसमें पुरुषवाचक में 3 ही लोग होते हैं, मैं, आप और तीसरा उत्तर पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो यहाँ पे हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं हमको, इसलिए क्या हुआ ये पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है कहाँ जा रहे हो, बताइए मुझे कहाँ जा रहे हो, प्रश्न वेरी गुड हर्ष, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहाँ यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टोकरी में कुछ रखा है, टोकरी में कुछ रखा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वेरी गुड, क्योंकि टोकरी में क्या है हमें नहीं पता, तो ये जो शब्द होते हैं डाउटफुल हो गया, तो ये कहलाएगा आपका, है ना, आपका कहलाएगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ये होगा टोकरी में आम रखा है, तब क्या होगा, तो यही प्रश्न मैं घुमा कर दे दूं, टोकरी में आम रखा है कौन सा सर्वनाम होगा, बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम, वेरी गुड भाई, कुछ है यहाँ पे डाउट आ गया, अनिश्चय हो गया, अब हमने बता दिया कि टोकरी में आम रखा है, तो क्या हो गया ये निश्चय हो गया,
कोई ठीक से ही नहीं टोकरी में आम के अलावा कुछ नहीं, तो ये कहलाएगा निश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक, दो और बचे, पुरुष वाचक, प्रश्न वाचक, निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक, निज वाचक और संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है ना, चाहिए ना। तो ये हमने जहाँ आपको समझा दी है, यहाँ पे निज वाचक हम खुद के लिए कहते हैं, मैं अपना देवता स्वयं करता हूँ, मैं अपने कपड़े स्वयं तो करता हूँ, मैं अपना अपना काम खुद करता हूँ। तो ये हो गया निज वाचक, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। संबंध वाचक है ना। अब आ गए हम दूसरे वाले प्रश्न पर, इसमें आया काल पहचान कर लीजिए। काल हमने आपको बता दिया था, भूतकाल बीता हुआ समय, वर्तमान काल चल रहा समय और भविष्य काल आने वाला समय। भूतकाल हमारा बीत चुका है, उसे हमने उसे देखा है, बीत गया है। वर्तमान कल क्या हुआ भविष्य में हम नहीं जानते, जो चल रहा है उस समय के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आइए काल पहचान कर लिखिए। इसे अंतर्गत देखिए, सोफिया विज्ञान पढ़ती है, बताइए मुझे, सोफिया विज्ञान पढ़ती है, आंसर बताइए बेटा, कौन सा काल होगा ये? वर्तमान काल। वेरी गुड, क्योंकि ये काल जो है ये चल रहा है समय, सोम्या पढ़ रही है, तो ये क्या हुआ वर्तमान काल। तनुश्री पाठ याद कर रही करेगी, तनुश्री पाठ याद करेगी। क्या क्या ध्यान है, मुझे ध्यान नहीं, ब्लैक बोर्ड तो पूरा क्लियर है बेटा, है ना। तो क्या होगा, तनुश्री पाठ याद करेगी। भविष्य काल करेगी, किया नहीं है उसने, यहाँ पढ़ रही है यहाँ करेगी, भविष्य का है ये, तो ये कहलाएगा भविष्य काल। तीसरा, मयंक पत्र लिख रहा था, मयंक पत्र लिख रहा था, लिख रहा था, तो क्या हो गया भूतकाल। लिख रहा था, लिख रहा है क्या, नहीं लिखेगा, नहीं लिख रहा था, बीता हुआ समय है, तो क्या हो जाएगा ये भूतकाल। करेगी भविष्य का, पढ़ रही है वर्तमान का। तो ये आपको ऐसे भी आ सकता है, काल पहचान कर लिखिए या निर्देशानुसार बदलिए। अब यहाँ पे देखो, मैं को लिख रहा लिखती है करके, मैं भूतकाल में चेंज करो इसे, तो कैसे बना गया, सोम्या विज्ञान पढ़ती है का भूतकाल वाक्य क्या हुआ, भूतकाल में वाक्य बनाइए, सोम्या विज्ञान पढ़ती है, क्या हुआ सोम्या विज्ञान पढ़ रही थी। फिर ऐसे तो आप अगर काल अगर बदलने के लिए निर्देशानुसार बदलिए अगर दिया है, तो आपको क्या करना है, उनको बदलना है, परिवर्तित करना है वाक्य को और उसके बाद लिखना है। ठीक, सॉरी। अब तीसरा प्रश्न देखो, उचित विराम चिन्ह लगाइए। इस तरह का प्रश्न आया है तो आपको वाक्य दिया है और आपको उसमें चिन्ह लगाने हैं और चिन्ह लगाकर वाक्य लिखेंगे उत्तर में आप, है ना। अच्छा आप आ गए, अच्छा आप आ गए, कौन सा वाक्य होगा,
विस्मयादि बोधा तो अच्छा की बात आएगा यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गए और ये हो गया पूर्ण विराम। क्या हुआ हमारा टॉमी है प्रश्न हो रहा है क्या हुआ हमारा टॉमी है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चित्र सुंदर है पूर्ण विराम ये सरल वाक्य हो गया। तो इस तरह अगर परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है पहले प्रश्न को आप पढ़िए आराम से आपके पास बहुत समय रहता है और लिखिए। जल्दबाजी कोई भी चीज में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है ना। हमें ये आपका मुख्य परीक्षा है इसके बाद बेटा आप जो है छठी कक्षा में चले जाओगे है ना मिडिल कक्षा में आप प्रवेश करोगे। तो पेपर जब आप बना रहे हो तो ध्यान से और अच्छे से बनाइए ताकि आपको कोई उसमें समस्या न हो। पूरे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से हल कीजिए ठीक है। एक बार आप पीडीएफ बनाने से पहले पेपर को चेक कीजिए कि मैंने सब पेपर का हल किया है कि नहीं हर प्रश्न को हल किया है कि नहीं। उसके बाद पीडीएफ बनाने के बाद चेक कीजिए कि मैंने सब आंसर शीट को लिया कि नहीं पीडीएफ में उसके बाद फिर उसे सेंड कीजिए। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को मैंने जो आज परीक्षा के संबंधित जो जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। और कुछ बच्चे जो गिने चुने बच्चे हैं जिनका ओरल नहीं हुआ है तो उसे हम अभी क्लियर मैं खुद आपको कॉल करके वो कंप्लीट कर देंगे। तो बाकी बहुत सा कुछ ही बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया है तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो है आप इसे बार बार भी देख सकते हैं पेपर बनाए और अच्छे से बनाए और अच्छे नंबर लाए तो हमें ज्यादा खुशी होगी और आप भी प्रे करेंगे और हम भी प्रे करेंगे स्कूल जल्दी से जल्दी ओपन हो ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए और आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक अच्छे से नंबर लाइए। धन्यवाद बेटा।